सर्दी है भाई, सर्दी है, सर्दी में रिकॉर्डिंग कर रहा है तुम्हारा भाई। प्यार देख रहे हो तुम लोग, प्यार। तो हुडी पहन के आ रहा हूँ। तो हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आज है जुमेरात और शायद टाइम हो रहा है 7:05 आई गेस। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कुछ दिनों से मेरी ज़िंदगी में एक बात चल रही है, एक सीन हो रहा है मेरे साथ, जो मैंने सोचा कि आज रिकॉर्ड कर लिया जाए तो बेहतर है। कंटेंट का कंटेंट हो जाएगा और बात की बात हो जाएगी, एक जो भड़ास है अपने अंदर वो निकल जाएगी, आप लोग से शेयर कर लूँगा, मज़ा आ जाएगा। तो बेसिकली मेरे कॉलेज से रिलेटेड बात है। मैं हूँ गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज का स्टूडेंट एंड आई एम अ पास आउट। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, अगर तुम लोग गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज में जाने की सोच रहे या जो हैं अभी पढ़ रहे, मैं यही कहूँगा जो हैं उनको बोल रहा हूँ, तुम लोग रुल लोगे, बेइज्जत हो रहे हो और तुम लोग सबसे पहली बार जा ही नहीं रहे हो कॉलेज। ये तो हो गई डिस्क्लेमर जो हैं, और जो अब जाने वाले हैं या सोच रहे एडमिशन लें, मत लो एडमिशन, रुलोगे। और तुम लोग सोचोगे यार गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज है, गवर्नमेंट का कॉलेज है, छुट्टियाँ करेंगे, कोचिंग में पढ़ेंगे, आराम से लाइफ सेट। नो 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 नो, यू आर मिस्टेक इन माई फ्रेंड। तुम अगर छुट्टी करोगे तो जब एनरोलमेंट आएगा तुम्हारा, एडमिट कार्ड आएगा तुम्हारा, मार्कशीट आएगी तुम्हारी, आईडी कार्ड मिलेगा तुम्हें, तो रुलवाएंगे। सबसे पहले तो तुम्हें लंबी सी लाइन में खड़ा करवाएंगे धूप में, और फिर बोलेंगे बेटा इंतज़ार कर। कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हें उस लाइन के बाद भी मिल जाए जो तुम जिसकी वजह से खड़े लाइन में। ये है डिस्क्लेमर उन लोगों के लिए जो एडमिशन लेने की सोच रहे। बैक टू माई पॉइंट, तो बेसिकली 3-4 दिन हो गए हैं और मैंने मार्कशीट अपनी ले ली कॉलेज से। मार्कशीट के बाद मुझे लगा कि मुझे प्रोफेशनल सर्टिफिकेट उसी दिन से मिलेगा, मगर नहीं, उन्होंने बोला कि बेटा अभी प्रोफेशनल सर्टिफिकेट जब आएगा तो आपको ग्रुप पे बात पता चल जाएगी। तो वैसा ही हुआ, ग्रुप पे हमें पता चल गया कि प्रोफेशनल सर्टिफिकेट आ गए और उन्होंने बोला कि आप 200 रुपये और एडमिट कार्ड लिया आपको मिल जाए। हमने भी यही किया। जैसे ही हम गए कॉलेज, वो चौकीदार जो है ना, वो चौकीदार मुझे बहुत जहर लगता है। उसने बोला कि भाई तुम्हें मैं एंटर होने ही नहीं दूंगा, तुम आईडी कार्ड क्यों नहीं लेके हैं? तुम्हें पता है ना कॉलेज में आईडी कार्ड चाहिए। मैंने बोला भाई मुझे किसी ने बताया ही नहीं आईडी कार्ड मिलना है, आईडी कार्ड भी लेके आना। मैंने बोला एडमिट कार्ड लाओ, 200 लाओ, हो गया। बोले नहीं 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 भाई, आईडी कार्ड के बगैर जाने ही नहीं दूंगा। मैं ठहरा कॉलेज का स्टूडेंट, मुझे नहीं जाने दे रहे अंदर। वो अलग बात है, मैं कभी जाता नहीं था और उसको मेरी शक्ल पता नहीं, याद है या नहीं याद है, लेकिन फिर भी यार आई एम अ स्टूडेंट। खैर ये तो हो गई पहले दिन की ख्वारी, हमें एंटर ही नहीं होने दिया। घर गया, अम्मा को बताया, अम्मा ने बोला कि और देखो मोबाइल। खैर अब तो ये हो गए पहले दिन की कहानी। दूसरे दिन मैं फिर गया, मैंने आईडी कार्ड भी रखा अपने साथ, तो एंटर तो होने दिया। एंटर हुआ ना तो भाई इतनी लंबी लाइन, मुझे लगा भाई बिरयानी मुफ्त की बट रही है। मैं खड़ा हो गया भाई, अब इंतज़ार करते रहो। फाइनली मेरा नंबर आया। अब जब मैं काउंटर के पास गया हूँ प्रोफेशनल सर्टिफिकेट मांगने, यकीन करो तुम लोग, ऐसा आदमी बैठा हुआ था जिसको मैंने आज तक देखा नहीं, और मुझे लगता नहीं कि उसे कुछ पता कि क्यों वो बैठा हुआ है। मैं गया तो भाई अब मैं उसकी एक्टिंग कर रहा हूँ। मैं गया, मैं बोला भाई प्रोफेशनल सर्टिफिकेट चाहिए। क्या 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 गया? मैं बोला भाई प्रोफेशनल सर्टिफिकेट। क्यों? मैंने बोला भाई चाहिए, आगे मुझे कहीं एडमिशन के लिए मुझे चाहिए होगा। अच्छा अच्छा, मार्कशीट लाओ। मैंने कौन सी मार्कशीट भाई? मैंने बोला भाई मुझे एडमिट कार्ड, आई डी कार्ड और 200 रुपये का, मार्कशीट का तो कोई नाम और निशान नहीं है। नो 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 बेटा, 2 कॉपी लाओ मार्कशीट की और उसके साथ एक एप्लीकेशन लाओ लिख के कॉलेज का नाम प्रिंसिपल को, और मुझे, मैं कॉलेज का तालिबे इल्म हूँ, मुझे प्लीज़ पास प्रोफेशनल सर्टिफिकेट दे दिया जाए। मैंने बोला ये ग्रुप पे क्यों नहीं बताया? अरे चलो बेटा जल्दी जल्दी करो, कल आना या अभी आना, आ जाओ जल्दी जल्दी करो, पीछे लाने लगेगा।
मैंने मेरी हटी तो खैर, मैंने बोला इतना पान मुंह में भरा हुआ है, पीप मुझ पे ही ना फेंक दे। मैं बोला भाई अच्छा कब तक खुला हुआ है आपका कॉलेज? 12 बजे तक खुले हुए। मैं बोला अच्छा चले सही, फिर मैं आता हूँ। फिर मैं बोला भाई अभी तो मैं नहीं आऊँगा, दूसरा दिन है ये, दूसरे दिन की बात कर रहा हूँ, मैं नहीं आऊँगा अभी, मैं घर चला गया। आज है तीसरा दिन, मेरे पास एप्लीकेशन भी है, मेरे पास दो कॉपियाँ मार्कशीट की है, सॉरी एक कॉपी है, एक कॉपी रास्ते में बनवाऊँगा, ये दोनों चीज़ें मेरे पास, और मेरे पास 200 रुपये भी हैं। अगर आज भी ख्वारी हूँ ना, मैं अपना प्रोफेशनल सर्टिफिकेट ले ही नहीं, माइक ड्रॉप, हालांकि मेरा ही नुकसान है माइक ड्रॉप जो करा है मैंने, लेकिन मैं ले ही नहीं रहा। बस अल्लाह से दुआ है कि मिल जाए, और जाना भी 11 बजे, मैं सुबह के 7 बजे उठ के आपको ये कहानी सुना रहा हूँ इतनी सर्दी में। प्यार देख रहे हो तुम लोग से दिख रहा है। अब अभी 11 बजे जाना है, मैं क्या करूँ 7 बजे तक, मतलब 11 बजे तक, 7 बजे रहे अभी, 7:05, 7:10 हो रहे होंगे। मैं सोच रहा हूँ पावर नैप ले लूँ। हाँ पावर नैप ले लिया जाए, फिर मिलते हैं आपको पावर नैप के बाद। अच्छा भाई पावर नैप के चक्करों में ना थोड़ा लंबा ही सो गए हम, 10:30 बजे उठना था मुझे, 11 बजे उठ रहा हूँ, बस पहुँच जाऊँ भाई। अभी बड़ी खतरनाक चीज़ हो, निकलते हुए मेरी बहन ने मुझसे पूछा कैसे जाओगे, मैं बोला रिक्शे में, मैंने बोला मेरी गाड़ी में जाओगे, ड्राइवर साहब भी खड़ा, बोला बहन नेकी और पूछ पूछ, तो अब हम जाएंगे सिटी में विद म्यूजिक। हाय भाई साहब कॉलेज चल, की भूल गया घर में, तो चौकीदार ने तो मौका देखना था फौरन बोलना कि भाई मास्क किधर है। अब मैंने फिर गया, मैं सामने दुकान पे मैंने मास्क खरीदा, फिर एंटर हुआ, फिर वो शुगर आज इतनी बड़ी लाइन नहीं थी, कम ही लोग थे, मैंने अंदर गया जल्दी से, मैंने अपनी एप्लीकेशन दी, मैंने बोला अब ये प्रोफेशनल सर्टिफिकेट दे दूँगा, बोले बेटा आप हफ्ते को आ जाना इसी टाइम। बड़ी गलती की है मैंने इस कॉलेज में एडमिशन लेकर, खैर सर्टिफिकेट भी चाहिए, अब हफ्ते को जाके दे। फाइनली द डे हैज़ कम, सैटरडे। आज पता चलेगा कि मुझे मिलता है प्रोफेशनल सर्टिफिकेट या नहीं। मेरे होप्स बहुत हाई हैं कि मिल जाए, ताकि एक पाप कटे, एक जो टेंशन है सर पे वो ख़त्म हुए। अभी तो खैर 8 बज रहे हैं, वो घड़ी ख़राब है तो उस घड़ी को बिल्कुल भी मत देखेगा। अभी 8 बज रहे हैं, हुडी मैंने ओवरसाइज इसलिए पहनी है दो रीजंस, एक तो भाई आपका भाई स्टाइल में रहता है, और दूसरा रीज़न ये है कि सर्दी लग रही है यार, आई एम अ सेंसिटिव इंसान, सर्दी लगती है मुझे। तो अभी 8 बज रहे हैं और मुझे जाना है 10 बजे,
और अब पता नहीं मैं 2 घंटे क्या करूँगा, शायद इंस्टा ही देखूँ। तो जब 10 बज बजते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। 10 बजे तक तो हाँ निकल ही जाऊँगा मैं, 10 बजे तक निकलूँगा। तो पहुँचता हूँ यार, बस मिल जाए कसम से। ओके जी। अच्छा भाई, तो अभी बज रहे 9:30 और मैं अब 9:30 निकल रहा हूँ, क्योंकि मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा कि पता नहीं मैं सोच सोच के पागल हो रहा हूँ कि क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। बस मैं निकल रहा हूँ 9:30। और एक बात बता दूँ कि आज मैं शशके के साथ नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरी बहन चली गई अपने घर और उसकी गाड़ी भी। तो आज हम डायरेक्ट जाएंगे अपनी औकात में, वो है रिक्शा। Let's go. रिक्शा स्पॉट पे बैठा हूँ मैं जब से, अराउंड 10 मिनट हो गए, अभी तक कोई मिल के ही नहीं दे रहा यार। ठंड भी लग रही है। आज फिर मास भूल गया मैं, मेरे साथ ही क्यों होता है ये सब। इस सब सिनेरियो में ना मेरे अब्बा एक कहावत कहते हैं, वो याद आ रही है इस वक्त बहुत। वो ये है कि जो तुम्हारी किस्मत में है ना वो तुमसे कोई छीन नहीं सकता, और जो तुम्हारी किस्मत में नहीं है वो तुमको कोई दिलवा नहीं सकता। और मगर हमारी किस्मत में है मिलना। स्ट्रेस खत्म, बर्डन खत्म, फाइनली मिल गया। थैंक गॉड। इस सब स्टोरी से ना, मेरी जो स्टोरी है इस सब से मुझे एक लेसन ज़रूर लर्न हुआ कि ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड। प्रिपेयर्ड रहेंगे तो आप हर चीज़ को फेस कर सकते हैं। आप एक वो अगर सिचुएशन टफ से टफ हुई, आप प्रिपेयर्ड हैं तो आप एक काम माइंड से आप वो हल कर सकते। खैर, यहाँ पे मेरी स्टोरी / डॉक्यूमेंट्री / व्लॉग जो आप कहना चाहें ख़त्म होता है। और हाँ, अगर आपको कुछ शेयर करना है डू शेयर इन द कमेंट्स, आई वुड लव टू रीड देम ऑल। और अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी रिलेटेबल लगी या ज़रा भी आपको देखने में मज़ा आया, डू अप्रिशिएट मी इन द कमेंट्स। आप मर्जी है, नहीं करना ना करो, कर दो तो खुशी ही हो जाएगी। और हाँ भाई, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।